चलिए तो हम स्केड्यूल से स्टार्टिंग करते हैं। स्केड्यूल में आपको दिख रहा है लेवल ऑफ आउटपुट टीएफसी, टीवीसी और टीसी। व्हेन आउटपुट इज जीरो देन टीएफसी इज 10 बट टीवीसी इज जीरो। तो इस पर डिस्कशन करें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में मैंने आपको अर्लियरली बताया हुआ है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज सच टाइप ऑफ कॉस्ट विच इज नॉट रिलेटेड बेसिकली आउटपुट टू। मतलब मैं क्या बोला यार, कितनी घटिया इंग्लिश मैंने यूज़ की। आप ऐसे समझिए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज सच टाइप ऑफ कॉस्ट विच डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, इस बार ठीक था। मतलब लेवल ऑफ आउटपुट से इसका कोई रिलेशन नहीं है यार। आउटपुट बढ़ेगा तो भी ये कॉस्ट उतनी रहेगी, आउटपुट अगर घटेगा तो भी ये कॉस्ट उतनी ही रहेगी, और अगर लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है तो भी दिस कॉस्ट विल रिमेन सेम। बट वॉट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट आएगा तो ही ये कॉस्ट आएगी, अगर आउटपुट नहीं आएगा तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, ये इसका नेचर है। तो जब आउटपुट बिजनेस में मतलब नहीं बना है तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट फिर भी कुछ है लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है, इसीलिए टीसी विल बी 10। तो पहला पॉइंट क्या आपको नोट करना है यहाँ पे कि एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द वैल्यू ऑफ टीसी इज इक्वल टू टीएफसी बिकॉज द वैल्यू ऑफ टीवीसी इज जीरो। नाउ एज अ प्रोड्यूसर, मैंने जब पहला डस्टर प्रोड्यूस किया होगा तो व्हेन आई हैव प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट डस्टर तो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। तो इस पे तो अभी बार बार चर्चा करने की नीड नहीं है क्योंकि दिस विल रिमेन सेम एंड दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ बिजनेस। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट डस्टर बनाया, यू कैन सी कि वेरिएबल कॉस्ट मेरा 6 है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी बोथ, सो टीसी विल बी 16, 10 प्लस 6। नाउ जैसे जैसे मैंने सेकंड डस्टर बनाया, थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, फिफ्थ बनाया, सो द वैल्यू ऑफ टीएफसी विल रिमेन सेम बट द वैल्यू ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एंड मोर आउटपुट। तो जब मैं ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाते जाऊंगा तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा आएगी लैटर स्टेज पे। तो टोटल कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो टोटल कॉस्ट विल बी मोर बिकॉज टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी बोथ। यहाँ पे 10, 10, 6, 16, 10, 10, 20, 10, 16, 26, 10, 28, 38, 10, 45, 55. तो ये आपका पूरा स्केड्यूल है। आई होप आपको ये स्केड्यूल कनेक्ट आपने किया होगा बेहतर तरीके से। नाउ लेट अस कम टू द ग्राफ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर का, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज थ्री कॉस्ट। ग्राफ की बात करते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट टीएफसी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसलिए ये स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्सली एस शेप्ड एंड टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो इनवर्सली एस शेप्ड। तो ये सारी चीज़ें तो हम बेसिकली प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, क्लियर है। तो अभी हम डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। तो रिलेशनशिप में मैंने 4-5 पॉइंट आपको बेसिकली लिखे हैं एंड द फर्स्ट पॉइंट इज टीएफसी इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रेट है। काहे को स्ट्रेट है भाई? क्योंकि अगर आउटपुट नहीं बनेगा, आउटपुट अगर जीरो है तो भी ये कॉस्ट यहाँ पे है, अगर आउटपुट बनेगा तो भी ये कॉस्ट सेम है, सेकंड आउटपुट तो भी कॉस्ट सेम, फोर्थ थर्ड आउटपुट तो भी कॉस्ट सेम, फोर्थ आउटपुट पे भी कॉस्ट सेम और फिफ्थ आउटपुट पे भी कॉस्ट इज सेम। इट मीन्स इट इज कॉन्स्टेंट। सो इफ यू ज्वाइन दिस, यू नो, अगर आप इन सारी की सारी लाइंस को, सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सारे के सारे लोकस को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा एंड दिस स्ट्रेट लाइन कर्व कैन बी कंसिडर एज ए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहली चीज, टीएफसी इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। हाँ भाई, ये स्ट्रेट कर्व है और ये हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट इज, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यू कैन सी दैट दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है भाई और एक्स एक्सिस के ये बेसिकली कर्व क्या है? पैरेलल है। क्लियर? पहली चीज क्या मैंने बताया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका कभी भी कतई आउटपुट से रिलेशन नहीं होता है भाई। आउटपुट जीरो है तो भी ये कॉस्ट उतनी रहेगी, आउटपुट बढ़ेगा तो भी ये कॉस्ट उतनी रहेगी। सो टीएफसी विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इट इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर भाई? नेक्स्ट, टीवीसी एंड टीसी बोथ आर इनवर्सली एस शेप्ड। यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ये दोनों के दोनों एस शेप्ड के होते हैं, वो भी इनवर्सली एस शेप्ड। इनवर्सली एस शेप्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो ऐसे जनरली हम एस बनाते हैं तो ये चीज ऐसे ये कॉस्ट बन रही है, टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए इनको इनवर्सली एस शेप्ड बोलते हैं। क्लियर है भाई? अभी देखो ये दोनों की दोनों इनवर्सली एस शेप्ड होती क्यों है?
तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल्ड में। ये इसलिए होती हैं क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से अपोजिट होता है। ध्यान से सुनना जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यू नीड टू क्लियर। अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो यू विल नेवर फॉरगेट दैट वाई TC एंड TVC बोथ हैव इनवर्सली S-शेप्ड। क्या मैंने बोला? P और C, प्रोडक्शन और कॉस्ट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं भाई, जानी दुश्मन। देखा था ना वो मूवी, वो नागिन वाली थी, ठीक है? तो भाई ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। मैं तुम्हारे को एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा। अब इसी में तुम्हारे को एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, इसीलिए मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ नीचे। सी दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको याद हो, बुक में आपने पढ़ा हो प्रोडक्शन फंक्शन में, तो ये हम मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व बनाए हैं एंड दिस यू शेप इज MC कर्व। अब एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट के नेचर की बात करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज करता है, तो अगर MP इनिशियली इंक्रीज करता है तो MC इनिशियली क्या होगी? फॉल होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। एक समय आएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी एट इट्स मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे आके रुका है, सो एट दैट टाइम MC इज मिनिमम एंड देयर आफ्टर जब प्रोडक्शन आपका इंक्रीज किया जाएगा लॉन्ग रन में, मतलब प्रोडक्शन बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा, तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी फॉल होती है। और जब MP, कितना गंदा मैंने बनाया, मार्जिनल प्रोडक्ट जब फॉल होती है तो उस समय मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है। यानी MP जब फॉल होती है तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है, फिर MP भाई जीरो हो नेगेटिव हो उससे अपने को नहीं मतलब है। मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि MP इंक्रीज होगा तो MC फॉल होगा, MP मैक्सिमम पे होगा तो MC मिनिमम पे होगा, MP फॉल होगा तो MC इंक्रीज होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शुरू शुरू में जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उस समय पर यूनिट कॉस्ट बड़ी कम आती है, लेकिन बाद में लेटर ऑन जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता जाता है भाई, तो उस समय प्रोडक्शन जो है कि बेसिकली अगर आप TP की बात करेंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा, इसीलिए MP भी क्या है, फॉल होता जाता है बहुत लेटर स्टेज पे। तो जब प्रोडक्शन फॉल होता जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, तो ये रिलेशन है इसका। अब इसको मैं TC और TVC से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट द TVC इज द समेशन ऑफ MC कर्व। व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर दैट TVC इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ MC कर्व। अगर आप MC को जोड़ते जाएंगे तो आपको TVC कंपोनेंट मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको कर्व दिख रही है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली इसका जो शेप है, इसका जो साइज है, ये इसे MC कर्व से मिला है। और MC कर्व एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है, और ये बेसिकली यू शेप का बनता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। तो अब क्या है कि MC जब डिक्रीज होगा तो MC का अगर आप एडिशन करेंगे तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता हुआ आपको TVC मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा। वेन MC इज मिनिमम देन TVC ऑल्सो, इट इज ऑल्सो मिनिमम एट सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। एंड वेन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस, सो द समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू TVC। तो जब MC इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा तो वो TVC को भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करा ले जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार रिमाइंड करके आप वीडियो देख लीजिएगा जहाँ से मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। अदरवाइज यार दूसरा रास्ता अपने पास है कि रट लो कि TC एंड TVC दोनों इनवर्सली S-शेप्ड होते हैं, तो रट भी सकते हैं यार, लेकिन कॉन्सेप्ट समझें तो डैट इज फार बेटर। चलिए, तो बात कर रहे थे हम कि TVC एंड TC बोथ आर इनवर्सली S-शेप्ड क्यों होते हैं, बताया मैंने MC इसका कारण है। नेचर क्या है? तो TVC इनिशियली डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, फिर मिनिमम होगा, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। थर्ड इज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC बिकॉज TVC इज जीरो। ठीक है, ये तो अभी हमने आपको बताया कि जब आउटपुट जीरो होगा तो जो वैल्यू है TC की वो TFC के बराबर होगी, क्योंकि उस समय वैल्यू जो है वो जीरो लेवल पे TVC की कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं कुछ होगी? क्योंकि आउटपुट नहीं बनेगा तो TVC कुछ नहीं होगा भाई। आगे देखते हैं, TVC एंड TC आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज TFC रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आ गया भैया, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको तुम समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ गया वो पॉइंट जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था अभी, कि TVC और TC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्यों पैरेलल होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे TVC जाता है
वैसे वैसे ये टीसी को भी ले जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे इसका शेप डिराइव हो रहा है, क्योंकि टीएफसी हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट होती है। तो भैया अगर टीएफसी कांस्टेंट है तो टीवीसी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इन्हें टीसी इंक्रीज होगा यार, बताओ। नेक्स्ट इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी इज टीवीसी द डिस्टेंस इंक्रीजेस। ये क्या मुसीबत है भाई, फिर से पढ़ो। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो टीएफसी और टीसी का टीवीसी है और ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। क्या एक्सप्लेनेशन है समझिए। अगर आप टीसी में से टीएफसी को माइनस करें, इफ यू डिडक्ट टीएफसी फ्रॉम टीसी सो यू विल गेट टीवीसी। पहले हमने डिस्कशन किया है फॉर्मूला में, तो वही बता रहा है कि अगर हम टीसी में से टीएफसी को माइनस करें तो हमें टीवीसी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी इज टीवीसी, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस इंक्रीजेस। ये डिस्टेंस इंक्रीजेस का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे लॉन्ग पीरियड में आप आउटपुट बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी। इसीलिए पहले टीएफसी और टीसी के बीच में टीवीसी का डिस्टेंस कम था, लेकिन जैसे जैसे बाद में आप टीसी से टीएफसी माइनस करेंगे, टीसी से टीएफसी माइनस करेंगे, तो जो डिस्टेंस इन दोनों का आपको यहां दिख रहा है वो डिस्टेंस अब ज्यादा होगा। यानी यहां पे डिस्टेंस कम है और बेसिकली यहां पे डिस्टेंस वो ज्यादा हो जाएगा। ये कंसेप्ट ठीक है। सो रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ा कि टीएफसी इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीवीसी एंड टीसी बोथ आर इनवर्सली एस शेप्ड, वाई टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप्ड, और इसका शेप किस पे निर्भर करता होता है, निर्भर करता है तो एमसी पे, मार्जिनल कॉस्ट पे। एमसी कर्व एमपी के अपोजिट है, इसीलिए टीवीसी जो है कि इनवर्सली एस शेप्ड बढ़ती है। जैसे जैसे टीवीसी बढ़ेगी वैसे ही टीसी को भी इंक्रीज करा ले जाएगी, क्योंकि टीएफसी हर एक लेवल पे कांस्टेंट है। फिर अगर आप एक और पॉइंट है, अगर आप टीसी में से टीवीसी को माइनस करेंगे तो आपको टीएफसी की वैल्यू मिलेगी, टीसी में से टीवीसी को माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसीलिए ओरिजिन से टीएफसी का जो गैप होता है वो टीसी और टीवीसी में भी सेम होता है। और दूसरी चीज लास्ट पॉइंट कि अगर आप टीसी में से टीएफसी माइनस करेंगे तो आपको टीवीसी की वैल्यू मिलेगी, और ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज करती जाती है। इंक्रीज इन द सेंस कि अगर आप टीसी में से टीएफसी को माइनस करेंगे तो शुरू में आपको डिस्टेंस कम मिलता है, लेकिन बाद में ये डिस्टेंस बेसिकली ज़्यादा होते जाता है, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो भैया वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो दिस वॉज इट गाइज फ्रॉम दिस लेक्चर, होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो बेसिकली लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैं जल्दी आता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ।